नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लाल किले रेड फोर्ट के एक नए भाग में लेकर आ गया हूं, जहां पर हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं तकरीबन 1100 वर्ष पुरानी एक ऐसी बावड़ी जिसका निर्माण करवाया गया था अनंगपाल तोमर द्वितीय राजा के द्वारा। इसको लेकर काफ़ी भ्रांतियां भी हैं, उसको भी आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इस बावड़ी के कुछ नज़ारे को देख लेते हैं। 2 मंजिल की आज ये बावड़ी गहराई में तल में दिखाई देती है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों के साथ में डिज़ाइन करके बनाया गया है। यहाँ पर जब आप अपनी नज़रों को इस हिस्से में लेकर जाएंगे तो मेहराबदार आपको अंदर के जो ये शयान कक्ष हैं, बैठने के जो रूम हैं, ये दिखाई देंगे आपको। और यहाँ का जो ये पूरा चबूतरा है ये आज के वक्त में रिक्त है, खाली पड़ा है। और सामने की तरफ एक काफ़ी ऊंचा आपको द्वार भी दिखाई दे रहा होगा, ट्रू आर्च जिसे बोला जाता है। दोस्तों कुछ हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस बात पे फोकस कीजिए कि जब 1000 वक्त पहले इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया होगा तो जो ये पत्थर हैं इनकी कटाई करने के लिए किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि आज के समय में हम इतने आधुनिक हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की इमारतों को बनवाने का सोचना तो अच्छा लगता है लेकिन वास्तविकता उसको करना थोड़ा सा कठिन काम है। लेकिन इतने हजार वर्ष पहले भी इस बावड़ी के अंदर जो पत्थरों की कटाई है, इनकी जो शार्पनेस है, वो आप आज देख सकते हैं। मैं आज आपको इस बावड़ी के दोनों इतिहास से रूबरू कराऊंगा। सबसे पहला इतिहास ऐसा बताते हैं कि 736 ईस्वी के समय में अनंगपाल तोमर प्रथम के द्वारा तोमर शासनकाल की स्थापना की गई थी और उन्हीं के वंशजों में से 1051 1051 से लेकर 1081 के समय में अनंगपाल तोमर द्वितीय के द्वारा दिल्ली के अंदर अपना शासन किया गया। और इसी शासनकाल के समय में 1060 ईस्वी के अंदर यानी कि एडी के अंदर लाल कोट नाम का एक बहुत बड़ा किला बनवाया गया जिसे आज के वक्त में हम लाल किले के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों उसी वक्त की ये वाली जो बावड़ी है आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी इसके अंदर पानी भरा हुआ है लेकिन ये वाला जो पानी है वो तो बारिश के समय में इकट्ठा हुआ पानी है, गंदगी वाला पानी है। लेकिन एक वक्त पहले जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो शुष्क क्षेत्रों में अपनी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की बावड़ियां बनवाते थे। और इन बावड़ियों को कई हिस्सों में बावली के नाम से जाना जाता है, कई क्षेत्रों में बावड़ियों के नाम से जाना जाता है, बावली इसको बोलते हैं। और 1638 के समय में ऐसी लोक मान्यता है कि शहंशाह जो बादशाह यानी कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था लाल किला। लेकिन ऐसा भी इतिहासकारों ने आज के समय में प्रूफ कर दिया है कि शाहजहां ने इस किले को स्टार्टिंग से ना बनवाकर उन तोमर शासकों की ही जमीन पर एक नए निर्माण के रूप में इसको स्थापित किया था। और दोस्तों उसी स्थापत्य कला का एक बेहतरीन अजूबा जो एक हमें आज यहाँ पर दिखाई मालूम पड़ता है, ये इस बावड़ी का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेप्स हैं वो आज नीचे की तरफ उतरते दिखाई दे रहे हैं। और सामने की तरफ आप जब देखेंगे इस वाले हिस्से को तो अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ पर हो गई थी दोस्तों तो उस अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर कैदियों को बेड़ियों के साथ में बंद रखा था और उन्होंने इन कमरों के अंदर जो आज आपको वैकेंट खाली दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इन कमरों के अंदर अंग्रेजी हुकूमत ने उन लोगों को, उन क्रांतिकारियों को कैद करके रखा था, अनेक यातनाएं दी थी, उनको प्रताड़ित किया था। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसी के साथ में इन कमरों के अंदर वाले हिस्से में तो थोड़ा हम अंदर की तरफ चलते हैं और इन कमरों को आज के वक्त में हम देखते हैं कैसे हमें ये दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर उन क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर रखती थी अंग्रेजी हुकूमत। इसके कुछ सबूत आज आप इन ईंटों से देख सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली बाद में करवाया गया है, ये जो निर्माण है ये बाद का है, ये जो निर्माण है पहले का ही है। अब दोस्तों मैं आपको फाइनली इस बावड़ी के बिल्कुल अनंत वाले हिस्से में लेके जाऊँगा जिसके लिए मुझे यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। आ जाइए।
बावड़ियों के निर्माण में एक जो प्रमुखता है वो ये हुआ करती थी कि पिछले हिस्से में कुआं बनाया जाता था। अभी मैं जिस हिस्से पे खड़ा हूँ, कुएं वाला हिस्सा है जिसके ऊपर एक चबूतरा बना के इसको कवर कर दिया गया है, और इसी हिस्से से पूरे के पूरे लाल किले के लाल कोट के हर एक भाग में चैनल्स बनाए गए थे, जहां पर इस बाग वाले हिस्से में जो कि लाल किले के अंदर बना है वहां पर पानी की सप्लाई हुआ करती थी। और यही वो पानी था जिसने बहुत सारे राजा महाराजाओं के यहाँ पर हुए शासकों के अंग्रेजी हुकूमत के पानी की ज़रूरत को पूरा भी किया था। अंदर की तरफ से देखने पर ये ऑक्टागनल अष्टकोणीय हमें आज मालूम पड़ता है, और इसकी जो बनावट है वो इतनी ज़्यादा आज के वक्त में भी मन को मोह लेने वाली बनती है, जिसको देखकर और भी हमें अच्छा लगता है। नीचे की तरफ देख सकते हैं ये पानी आज भी यहाँ पे भरा हुआ है, और अंग्रेजी हुकूमत के कुछ यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं, जो ये सपोर्ट्स हैं, लोहे के लगाए गए हैं। और इसी के साथ में सामने वाले हिस्से को देखिए आप, इस बावली का पानी यहाँ पे ख़राब हो चुका है, सामने की इमारत और इसकी एक विशेष पहचान। तो दोस्तों, इस पूरे नज़ारे को देखने के बाद में हमें आज ऐसा मालूम पड़ता है कि आज हम फिर से उस समय की याद को ताज़ा यहाँ पे करने आ गए हैं। अब आप ये विचार कीजिए कि क्या सच में लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था या अनंगपाल तोमरों के द्वारा बनवाया गया था।